हेलो दोस्तों, तो आ चुका है पार्ट 4। तो जैसे कि आपने पार्ट 3 में देखा ही होगा कि हम एक गुफा के अंदर गए थे और हम उसकी और गहराई में पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट भी नहीं है और मुझे टॉर्च जगा के अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो ये है 4th पार्ट, तो देखते जाइए होता है क्या। तो यहाँ पे मैंने जो है अभी गेम सेव कर ली है और मुझे यहाँ से एक केव का जो है मैप मिल चुका है और यहाँ से थोड़ी बहुत एमोस जो कि मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ और फर्स्ट एड किट्स जो कि मुझे आगे बहुत काम आने वाली है। तो आप आगे देखते जाइए कि क्या होता है। तो यहाँ से हम अब आगे निकलते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स की आवाज़ें आ रही हैं, अगर आपको सुनाई दे रही होंगी तो चलते हैं अब हम आगे बिना घबराए। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है पर फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। और दरवाज़ा खोलते ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और सामने कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा है हमको। और सामने से मुझे मॉन्स्टर्स की आवाज़ आ रही थी और ये सामने से अपना स्वागत करने के लिए आ चुका है। और यहाँ पे बाहर बहुत से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं और मैं ऐसे बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इनको पहले मारना होगा। तो शॉटगन इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाएगी तो मैं इसको पिस्टल से अपने पास बुलाऊँगा। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसको मार दिया है अपनी छोटी सी पिस्टल से और हम आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे एक और मॉन्स्टर है, पर वो जो है वो सामने से आ रहा है तो यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे हटेंगे क्योंकि ये थोड़े बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं और ये छोटी सी केव है और वो लोग इसके अंदर जो है नहीं आ सकते। और हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके और यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं तो हम ऊपर वाली साइड में चलते हुए सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है और अंधेरा बहुत है। और यहाँ पे एक नीचे छोटा सा रास्ता है जिसमें मुझे जंप करके जाना होगा। तो करते हैं जंप यहाँ से हम नीचे को और यहाँ पे एक मॉन्स्टर्स की आवाज़ आ रही है जो कि मेरे पीछे ही बहुत मज़े से खड़ा था। तो अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे थोड़े बहुत डब्बे रखे हैं और मुझे ऊपर से मॉन्स्टर्स की आवाज़ आ रही है जो कि बहुत नज़दीक है मेरे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं क्योंकि मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है एक मॉन्स्टर। तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे आवाज़ें आई जा रही हैं जो कि मॉन्स्टर्स की है और साइड से एक छोटा सा कीड़ा आते हुए और उसको मैंने शॉटगन से उसकी दानी याद दिला दी है और उसका जुगा भाई बहुत स्पीड में मेरे पास आ रहा था कि मुझे मारो। तो अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पे दो रास्ते हैं और मुझे जो है लेफ्ट राइट वाले रास्ते में जाना है। तो यहाँ पे भी फिर से दो रास्ते हैं तो हम मैप खोल के देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों रास्ते ही एक ही जगह में मिल रहे हैं तो हम जो है लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो यहाँ पे चलते हुए और सामने से एक मॉन्स्टर आते हुए और शॉटगन की एक बुलेट और वो भी ढेर। तो हम आगे चलते हैं, एक साइड से तो रास्ता बंद है तो हम दूसरी साइड से जाने की कोशिश करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से धीरे धीरे करके। और यहाँ पे एक जंप मारने की है क्योंकि बीच में रास्ता आधा गायब है और एक साइड केव है और एक सामने दरवाज़ा है।
हम फटाफट से दरवाज़ा बंद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मॉन्स्टर्स की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है और गेम को जो है हम यहाँ पे अपनी सेव कर लेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी एमोस पड़ी है दोस्तों, ताकि मैं मॉन्स्टर्स को अच्छे से प्यार से मार सकूं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे तो आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप देखिए मज़े से। यहाँ पे एक और छोटी सी केव है और यहाँ पे मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, फाइंड द फादर। जे अपने फादर की जो है यहाँ पे एक हैट मिली है, लगता है वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ है। और यहाँ पे जो है बहुत से चीज़ें भी रखी हैं, जैसे कि डायनामाइट ही है ये। और एक यहाँ पे है एक फ्यूज़ है जो कि आपने देखा ही होगा पार्ट 3 में फ्यूज़ किस जगह पे काम आने वाला था। तो और यहाँ पे भी मॉन्स्टर्स की बारात आ चुकी है, तो हम इनको उड़ा देंगे यहाँ पे शॉटगन्स की गोलियों से। तो देखिए कैसे इनकी लाशें नीचे गिर रही हैं, दो दो गोलियाँ सबको फ्री में दे दी मैंने। और यहाँ से एक गोलियाँ उठाते हुए, और अब मुझे यहाँ से वापस निकलना है क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, फ्यूज़। क्योंकि फ्यूज़ ही अगला ऐसी चीज़ है जो कि मुझे नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा देगी। तो अब जो है मुझे वापस गुफा से बाहर निकलना है, तो मैं आपको जो है गुफा का पूरा सीन फिर से नहीं दिखाऊँगा क्योंकि आप पहले ही दो वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये सीन सब कट कट करके दिखाऊंगा, बीच में से आधी सीन गायब कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं फिर से वापस रोशनी वाली जगह में पहुँच चुका हूँ, इससे पहले मैं एक अंधेरी गुफा में था। तो निकलते हैं अब यहाँ पर फटाफट से आगे बिना बात न करते हुए, क्योंकि मुझसे यहाँ पर चलती है गोली, वो भी शॉट गन की इतनी महंगी गोली। तो हम यहाँ से फटाफट से निकलेंगे, जो भी सामने मॉन्स्टर्स आएंगे। यहाँ पे एक सबका बाप खड़ा है, पर वो भी कुछ नहीं है हमारे सामने, वैसे मेरे सामने नहीं, शॉटगन के सामने। तो यहाँ से हम आगे निकल चुके हैं और एक सामने मॉन्स्टर है, हम इसको भी उड़ा देंगे। तो चलते हैं फटाफट से आगे, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ बहुत सारा मॉन्स्टर्स की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर भी। तो अब देखते रहिए, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से दो मॉन्स्टर्स को उड़ा दिया है, पर मुझे अभी भी फटाफट से आगे जाना होगा। ये वही जगह है जहाँ से मैं, जहाँ पे मुझे शॉट गन मिली थी, और यहाँ पे रास्ता बंद है और मॉन्स्टर्स की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हम अपनी AKM निकाल लेंगे और यहाँ पे डायनामाइट से इस ग्लेशियर को उड़ा देंगे जो कि मेरा रास्ता रोक के बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम आगे निकलते हैं, फटाफट से चलते हैं आगे से। मॉन्स्टर्स की आवाज़ आती है, आ रही है वैसे तो। और यहाँ पे वापस से मैं उसी जगह में पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ से फटाफट से आगे। नहीं गिर गया मैं, तो मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा पीछे से, तो मैं आपको दिखाया नहीं, तो मैं सीधा आगे पहुंच चुका हूँ। सामने से एक मॉन्स्टर आ रहा है और ये तो हवा में ही खड़ा हो गया है जाके सीधे ही, और ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो हम इसको गोली से भून के नीचे गिरा देंगे। तो चलते हैं हम फटाफट से आगे यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और मुझे वापस से जाना है आगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे, अपनी AKM निकालते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गुफा से
बाहर निकलने के रास्ते में जो आप सामने पौड़ियाँ देख पा रहे हैं, वहीं से हम जो है निकल जाएंगे। अब बस इसको हम निपटा दें और हम बाहर यहाँ से, और क्या नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। तो चलिए हम फटाफट से आगे चलते हैं, सीढ़ियों में चढ़ते हैं और यहाँ से बाहर को निकलते हैं। और यहाँ से हम बाहर पहुँच चुके हैं और साइड में मेरी एक छोटी सी बाइक भी देखी होगी आपने, तो वो देखिए सामने खड़ी है। फ्यूज बॉक्स मैंने लगा दिया है, तो सामने मेरी बाइक भी है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।